scuff to figure out what it is. It could be cotton candy. Ye kya hai? My. But do you think it's food? Yeah, food for sure. Huh? Yeah. मुझे लग रहा है they'll have like some kind of twist to it. Cupcakes. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ऋषिका नायक शेट्टी है और मैं मुंबई से हूँ। आई एम हियर सीकिंग 40 lakhs for 8% इन माई कंपनी द सैस पा। टेम्पटिंग राइट? वेरी। आपके पास भी यही बॉक्सेस रखे हैं, प्लीज इसे खोलिएगा। थैंक गॉड फाइनली। Sharks, these are soaps. Wow. Wow. मैं तो सच में खाने वाला हूँ। ये काजू कतली नहीं है। नहीं है। It smells heavenly. Thank you so much. Sharks, presenting to you the Sass Bar, a concept gifting artisanal brand with fun, quirky, sassy products जो आपके चेहरे पे एक smile लाए। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स डिजर्ट सोप्स है, जहाँ पे हमने एक साधारण सोप को डिजर्ट से मिलाया और उसे एक नया फन सैसी लुक दिया। फिर मैंने मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट थीम्स सच एज ट्रैवल, फूड, म्यूजिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे नीश गिफ्ट बॉक्सेस बनाए। हम इसे वो ब्रांड बनाना चाहते हैं जो गिफ्टिंग से सिनोनिमस हो। तो आप में से कौन सा शार्क्स मेरे साथ लोगों की दुनिया सैसी बनाना चाहेगा? Welcome to Shark Tank, Rishika. Thank you. तो आप कैसे आए इसके अंदर? I wanted to do something sustainable related और मुझे environment, I mean I'm very environment conscious. तो मुझे कुछ create करना था and that is why you know मैंने start किया business. So 3 years I'm loving it and you know there's so much to look forward to. Gifting. I can understand. बहुत लोग सोचते हैं यार gifting items नहीं है, हम खुद experience करते हैं. Correct. Don't find a gift. Absolutely. लेकिन why soaps? Because I was traveling, मैं बाहर गाँव देश में घूम रही थी. मैंने उनका ये handmade cold process soap देखा, where the heat is not applied and all your ingredients are completely intact. ये मैंने जब soap use किया, I loved it. मुझे moisturization की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी. So मैंने इस पे research किया, but like मैंने बोला ये dessert की तरह क्यों नहीं? You know we have बॉडी वॉशेस विच आर लाइक ऑल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, पर ये सोप्स क्यों नहीं कर सकते? फिर उसको शेप में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको मोल्ड में डाल के ही करना है. तो ये आइडिया जनरेट हुआ. तो आप गिफ्टिंग, सॉरी वेरी क्विक, ओके, आप गिफ्टिंग कंपनी बना रही हैं अभी? क्या आप body shop type of company बना रही है? No, that's what I'm going to gifting. You are building a gifting company. Yes, okay. Gifting. ऋषिका, gifting की बहुत बड़ी-बड़ी companies हैं. वो हर उसमें घुस जाते हैं जहाँ gifting angle होता है. Correct. तो वो लोग के अभी homepage पे मुझे दिख रहा है कि एक soap section आ जाएगा जिसमें ये soaps आएंगे. Correct. तो वो वाले से आप कैसे compete करेंगे with just one kind of gifting option? No, we are adding complementary products. जैसे कि ये travel box अगर आपने देखा तो उसमें stationery भी है. So this box I've designed with another artist. और भी कोई product है besides the stationery box? So we are launching a few. यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, because I have just started this year. But Rishika, instead of just adding stationery, आपने ये सोचा है कि बाथ प्रोडक्ट्स में आप एक्सपेंशन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल बाथ सॉल्ट, बाथ बॉम्ब स्पेशली, उसमें आप एक्सपांड कर सकती है. वी डू बाथ बॉम्ब्स लाइक अ लॉट, बट वी कैन ओनली produce bath bombs in a certain time of the year in India. Oh, is it? Yeah, but okay. We are already doing scrubs, हम candles. आप candles भी बना रहे हैं? Yes. अच्छा, तो ये बता रहे नहीं आप सारी बात. एक और बात बताइए, मैं ये ingredient list पढ़ रही थी. Absolutely. पैराबिन फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम लोग भी ये यू नो टॉक्सिन फ्री और सेफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं मामा अर्थ में। बट मुझे ये बताइए, जब इतने सारे ऑयल्स आप इकट्ठे डाल रहे हैं प्रोडक्ट में, हाँ, तो मेल्टिंग इशू आता है व्हेन द टेम्परेचर्स राइज, गर्मियों में स्पेशली आई थिंक ये इशू आता होगा। सो मैंने ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप किया है कि मैं ये पैन इंडिया डिलीवर कर सकती हूँ। मैंने सोप मेकिंग कोर्स लिया था एंड आई डिड और सेल्स क्या है? दिस ईयर वी हैव डन अबाउट 30 लाख इन सेल्स। पिछले महीने हमने 7 लाख किए। ये गिफ्ट कितने का है? लाइक दिस बॉक्स इज फॉर 1799। इसका MRP एग्जैक्टली क्या होगा? ये दिस इज 295। द ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 65% एंड द नेट मार्जिन इज अबाउट 55%। आपका जो 30 लाख सेल्स है, हाँ, उसमें कितना सोप से आता है और कितना नॉन सोप प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल एंड ऑल से आता है? सो सोप इज अगेन स्टिल 80% ऑफ आवर बिजनेस बिकॉज़ इसी साल हमने शुरू किया है ये गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। मेरा एक प्रश्न है, आई एम स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज्ड, कि अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहती हैं तो कौन सा रास्ता आप चुनेंगी? क्योंकि गिफ्टिंग में जाएंगी तो और बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। करेक्ट। तो what are you first true to? मुझे ये स्किन केयर लाइन में नहीं जाना है, मुझे ये गिफ्टिंग लाइन में जाना है because I can cater to a larger audience in and kids and I can also do innovative products. जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उन पे बहुत ऐसा प्रेशर होता है कि जो सब कर रहे हैं उससे हट के कुछ करें। मुझे मतलब ऐसा बिजनेस पसंद है जहाँ एक चीज़ आप बनाओ और उसके महीने में यू नो 10 लाख पीस बेचो। मुझे आपकी चॉइस सही नहीं लगती है, पर एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है आपका ये ड्रीम है, आपका विजन है, तो यू शुड गो फॉर दैट। पर आई एम आउट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप अपने बिजनेस को डिफरेंट बनने के चक्कर में। ऋषिका, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, मैं भी समरी दे देता हूँ। आई थिंक आपका जो USP है वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, पैकेजिंग है। Right. सोप आपका कोर कॉम्पिटेंसी है। Correct. और आपका जो अब आप बिजनेस बनाना चाहते हैं वो पैकेजिंग बिजनेस है। Correct. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा मतलब क्लैरिटी की जरूरत है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं बाहर हूँ। आई एम इन लव विद व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड। ये सोप्स इतने खूबसूरत हैं और इतने एडिबल हैं। आई मीन लुक एट दिस आइसक्रीम सोप दैट यू हैव बिल्ड, इट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है। ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। Rather than working on your weakness, work on your strengths. Right. अगर आप अपना बिजनेस भी बिल्ड करेंगे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ना, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई और आर्टिस्ट जो है इतना खूबसूरत सोप बना सकता है। मैंने नहीं देखा इंडिया में किसी को इतना प्यारा सोप बनाते हुए। Yes, so I want you guys to be your guide. So Rishika, there are 2 sharks that are out. एक मिनट। Yes, I know you've been wanting to give an offer. एक मिनट, एक। When I see some of these notebooks या ये बाकी जो चीजें आपने प्रेजेंट की हैं, ये मुझे उतना स्टैंड आउट नहीं लगा। ये बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, राइट? बट ये कोई नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर फर्दर यू नो बिल्ड करके अपने आप को एक्सपर्ट बनाना सोप्स में, क्या वो डायरेक्शन है जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आई वुड लव टू गो इन दैट डायरेक्शन एज वेल। ऋषिका, मेरे को आपकी कैपेबिलिटी पे थोड़ा डाउट आ रहा है। मैं आपको ऑफर करना चाह रहे हूँ, आप मजाक कर रहे हो। But I didn't want to stop गोली बीच में। I said like I know you women. कमाल करती हो आप। कमाल करती हो। बुरा मान गए, बुरा मान गए। अभी मैं रुकूंगा। आप अभी मेरे को एक जवाब दीजिए। ठीक है। मेरा एक ऑफर तो करने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, और ये कंडीशन ये है कि ये बिजनेस का डायरेक्शन थोड़ा अपने को मोड़ना पड़ेगा। Okay. I think I prefer the direction of Body Shop, where you focus on a bathing needs brand. Correct. From kids to old people, that doesn't matter. Okay. With packaging as the USP. Correct. And that is something I can back. लेकिन आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप वो कर सकती हैं। Yes. आप करना चाहती हैं, क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्ट किया और हम आज मान गए, नहीं absolutely, मैं आपको बहुत परेशान करूँगा। चलिए, मेरा ऑफर सुनना है अभी कि yes, please अरे देखिए, आपने पहले सुना होता तो बहुत अलग ऑफर था, अभी काफी अलग हो गया। But I couldn't be rude to anyone. पहले आप में बस निकल जाती है। लाइन सुनिए ना। वो आज मेरे साथ हुआ है। चलो ठीक है, फिर भी कोई ज़्यादा खराब नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूँ हम ऑफर करते हैं, लेकिन फायदा ये हो गया कि हमें 2 शार्क ऑफर कर रहे हैं। And one shark though is the mother of the earth, Mama Earth. And you're the father of innovation. So, आपको 40 लाख चाहिए, हम 40 लाख तो दे देंगे, but we need 40% of your company. Oof, 40%. It's a fair ask. क्योंकि देखिए आपकी सेल्स जो है ये 7 लाख ये सीजन की सेल्स। Is it negotiable? आप बताइए आपको माइंड में क्या है? आप काउंटर कर सकते हैं। और नमिता जी से भी सुनिए। Yes, of course I have. I'm out because मुझे नहीं लगता है मैं इतना वैल्यू ऐड कर पाऊंगी compared to these 2 sharks. Right. आप काउंटर ऑफर कर सकते हैं। Yes, of course. So if you could come down to 30%. I'll tell you what. Because we're in a good mood, we close it at 35. 30. Non-negotiable. 35. Okay, at least can we raise the valuation because I know that will take a little bit extra money. Can you want 50 lakhs instead of 40? Can we at least do like 35 to 60? Rishika, successful people. Rishika, ho gaya. Optimize. Don't do the different things. They just think differently. So I think it's your time to think differently right now. मैं अगर पूछ सकती हूँ कि like since there are 2 roles, you know what? अभी आप हमारा इंटरव्यू करेंगे? नहीं, just to understand what who's bringing what to the table so that I, you know, get the. So I think soap as a category it is huge. ये वाला product जो है उस category में stand out हो सकता है. Okay. अब उसको बेचना कैसे और market कैसा करना है वो मुझे आता है. Correct, right. तो वो clarity मेरे mind में है and I think that's what I bring to the table. आप ये सिर्फ साबुन बेचने निकलोगी तो ये मुश्किल काम हो जाएगा. Correct. हमें इसको एक पोजीशन में ऐसे पोजीशन में लाके रखना है कि मार्केट एक्सपैंड हो जाए. ओके, हेल्पिंग यू विद स्ट्रेटजी एंड पोजीशनिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलत मोड़ लेंगे. करेक्ट, सो दैट्स वेयर आई कम. ओके, सो शार्क्स ये डील पक्की समझिए. कांग्रेचुलेशंस. हियर इज योर चेक. आपका चेक हमारे हाथ में है, ले लीजिए. There you go. And I wrote you something behind the check as well, if you want. Absolutely. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Let's take it forward together. Thank you so much. All the best. 116. You are a shark now. Officially a shark. 25% is a very good deal. Yeah. It's awesome. I agree. The time you are making your dreams come true. जब तक उसके पीछे अपनी नींद गवा रहे हो, जब तक वो अचीव करने के लिए लगे हुए हो, I think you will be successful. मैं हूँ गजल अलग, co-founder at Mama Earth, और मैं Shark Tank India की मामा शार्क हूँ. Already a mother and मैं एक to be mama भी हूँ. I'm pregnant. मेरे से पहले मेरी फैमिली में किसी भी लड़की ने जो है कभी बिजनेस के बारे में ना सोचा ना कोई जॉब की. मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि मैं अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाऊँ. आर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली बहुत सिमिलर है. जब मैं कोई पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी नहीं पता होता कि वो फाइनली कैसे दिखेगी. आपके और कैनवस के बीच में जो है कॉन्वर्सेशन चल रही होती है. आई थिंक वर्क में भी मेरे और मेरे कंज्यूमर्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चलती है. अगर मुझे ये समझ में आता है कि यार मेरे कस्टमर को ये चाहिए, वो क्रैक कर लिया ना तो बिजनेस अपने आप आएगा, पैसा अपने आप फॉलो करेगा. जब मैं नई मादा बनी थी और मैं साथ ही मामा अर्थ भी बिल्ड कर रही थी, इट वॉज लाइक रेजिंग 2 बेबीज टुगेदर. दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यार कोई भी मुश्किल आएगी उसको सॉल्व कैसे करना है. बस उस एटीट्यूड के साथ हम बढ़ते गए एंड वी आर वेयर वी आर टुडे. गज़ल की जो एक क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर दूंगी. हमारी पार्टनरशिप 5 साल की कंपनी से पहले 5 साल की एक शादी की पार्टनरशिप ही रही है, तो उससे ज़्यादा मज़ा मुझे किसी पार्टनरशिप में आया नहीं है. एंटरप्रेन्योर का पैशनेट होना, ड्रिवन होना, एक जुनून होना, कुछ कर दिखाने का मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और मैं ऐसे लोगों को ढूंढती हूँ जिनमें ये तीनों क्वालिटीज़ हों और वो कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो। बिजनेस भी ज़रूरी है, बट मेरा ये भी मानना है कि बिजनेस से ज़्यादा ना लोग ज़रूरी होते हैं। अगर लोग अच्छे हो तो वो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अरे बच्चों, जुगाड़ू कमलेश का घर किधर है? जुगाड़ू कमलेश का घर आगे से राइट लेना। ये कमलेश का घर किधर है? आगे जाके लेफ्ट मारने। जुगाड़ू कमलेश का घर किधर है? उधर है। चलो चलो चलो। अरे भाई, आप इतने लेट आए, कितना अंधेरा हो गया, जाने दो। चलो पहले आप घर में आ जाओ। चलो, मुझे एक्टिंग, सिंगिंग और कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया जुगाड़ करने का बहुत शौक है। तो अब मैं आ रहा हूँ शार्क टैंक इंडिया में अपना नया जुगाड़ लेके। हेलो शार्क, मैं जुगाड़ू कमलेश। So sweet. हेलो सर, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो मैम, मैं जुगाड़ू कमलेश। जुगाड़ू कमलेश। आपका नाम बहुत बढ़िया है, जुगाड़ू कमलेश। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव, और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है, देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ भी बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ, कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना। बड़ी बात ना, मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुँचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा। ये रे बाळ, वाह, बड़े भाई का लड़का है। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो 21 वर्षाचा हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वाह, खरच जुगाड़ू स्टाइल आहे तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुँच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के आऊं? ऐसा याराना। रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू नरू ये, अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शायद 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया, और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनोवेशन। शार्क्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं, तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शायद ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए, इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर सॉरी कमलेश जी, कमलेश मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम, यहाँ पे जो हम चलेंगे तो जमीन में पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ। और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं सर, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सकाए, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। कमलेश, आपका आस्क क्या है आज? 30 लाख के लिए 10% इक्विटी देने के लिए सर। और उसमें क्या मिलेगा, मतलब आज की बिजनेस है कोई आपके पास? सर बहुत बड़ी, मतलब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बहुत बड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं, कितना कितना कमा रहे हो? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर। अच्छा, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं थी सर, मुझे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ ये मुझे पता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8000 ना? कि आप बेचेंगे 8000? नहीं, बेचेंगे 12000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना, तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे, जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? 2 बेल की 50000। अगर किसान को 50000 लेके पेरनी करनी होगी तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में 3 काम मिल रहे हैं। ये क्या चीज बोला हमने? पेरनी, पेरनी, सीड ड्रॉपिंग। कमलेश जी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एनर्जी, आपका डेमो, आपका जोश, आपका जुनून, उस पे 100 में से 100 मार्क्स। मतलब क्या आपने प्रेजेंट किया है, आप इतनी एनर्जी लेके आए स्टेज पे कि हम सबको आपने एनर्जाइज कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन से। हम किसान लोग हैं, हम कितने भी मतलब थके रहे ना, तो हमें एनर्जी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें रात में 12 बजे भी उठना पड़ता है मैम। आपने कमलेश जी बोला आपको बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है कांटेक्ट किया, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उनको और कहीं नहीं मिला, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि वो क्या कंपनी? मैं बताता हूँ मैम, जब मैंने ये चीज बनाई, जो नरू दिख रहा है ना, उसने मेरा वीडियो निकाला। अच्छा, वो वायरल हो गया, 65 लाख व्यू है उसके। आप वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने डाला है आपके पास? हाँ है सर, है, आप देख सकते हैं। ये रहा शख्स है, 2017 की वीडियो है। ये आवाज क्या है? ये स्प्रे की। अच्छा, पंप। उसके बाद में न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल पे आया। उसके बाद में बहुत लोगों ने बोला कि ये हमें चाहिए, जो चीज चाहिए थी मेरी रेडी नहीं थी, तो मैं किसानों को दे नहीं सकता था। अगर मुझे आपकी हेल्प हो गई तो मैं 1 नंबर चीज बनाऊंगा। पर कोई कॉपी कर लेगा ना, ये कॉपी कर लेगा ये। हाँ सर, मुझे मतलब पेटेंट के लिए मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया सर। कमलेश, मैं 2 बात करूँ आपकी हेल्प? हाँ, ट्राई करता हूँ करने की। हम जब बैठते हैं, देखते हैं यहाँ वहाँ, तो हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे देश के बारे में कि इंडिया में ये गलत है, भारत में ये गलत है। आपको देखकर एक बार फिर से विश्वास जाग गया कि जो 2020 से 2030 की सदी है ना, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की है। जैसे इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर छा गए दुनिया में, वैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की सदी। और खाली बिग टाउन की नहीं है, ये आप जैसे किसानों की भी सदी है। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा विश्वास पैदा हुआ। थैंक यू सर। लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं ना, ये आविष्कार के लिए आपको फंडिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज तक आपने एक भी नहीं बेचा। लेकिन निराश नहीं होइए, क्योंकि ये स्पेस में, एग्रीकल्चर में, इस टाइप के आविष्कार के लिए ग्रांट्स बहुत मिलते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर उसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा समझता नहीं हूँ, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आउट होना चाहूँगा। लेकिन आपने बहुत प्रेरणा दी आज, बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरे कुछ सवाल हैं। आपने पढ़ाई की है? हाँ सर, मैं 12th साइंस किया, उसके बाद में मैंने BCA सेकंड ईयर तक किया। अच्छा। बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इसमें था। तो आपका विजन क्या है, अभी करना क्या चाहते हैं? सर मुझे खाली ये किसानों तक, खाली यही किसानों तक पहुँचाना है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा की क्या हालत है, और ऐसे बाकी बहुत सारे किसान है सर कि उनकी बहुत हालत बुरी है सर। ये अगर किसानों तक पहुँच गया तो सर मैं हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मेरे पास हर चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ है। मतलब हर खेती, ग्रास कटिंग के लिए ये जो दिख रहे हैं ना मक्का, इसे काटने के लिए भी मैं जुगाड़ बना सकता हूँ सर। सब चीज़ पे मैं कुछ ना कुछ बनाना चाहता हूँ और मेरा काम चालू ही सर। मैं ऐसे नहीं एक प्रोडक्ट बना दिया और मैं, मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं सर। कमलेश जी, आपने किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करके उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं? नहीं मैम, नौकरी करूंगा तो 24 घंटे के लिए किसी का गुलाम रहूंगा, और हम किसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहने चाहते। खेती में काम करेंगे, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। इसके लिए मुझे ऑफर आई थी, 5-10 लाख रुपए ले लो, अपना बात खत्म कर दो। जिस चीज के लिए मैंने 7 साल लगाए, वो मैं कैसे बेच सकता हूँ? 30 लाख रुपए का क्या करेंगे आप? सर 30 लाख का तो मैं पहले मतलब जो इसे बनाने में मुझे जो मशीन नहीं थी वो लूंगा। क्या मशीन? जो वेल्डिंग मशीन आती है, ड्रिल मशीन आती है, वो लूंगा सर। एक बनाने के लिए मुझे 8,000 खर्चा आया। अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो खर्चा कम होगा, 7,000 होगा। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना खर्चा अपना कम होता जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। कमलेश, ये बनाएगा कौन? सर मैम, मैं खुद भी बना सकता हूँ, और मेरे गांव में ऐसे जो नौजवान है, जो लड़के हैं, वो ऑलरेडी ITI कर चुके हैं और कोई इंजीनियरिंग कर चुका है, तो मैं उनको साथ में लूंगा ना। उनको ऐसे भी काम नहीं, वो मेरे काम में आ जाएंगे, उनको पेमेंट भी मिलेगा और हमारी अलग इंडस्ट्री तैयार होगी मेरे गाँव में। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। सो जुगाड़ू कमलेश, मैं आपको एक तो पहली बात बोलूँगी, आप इसमें जुगाड़ू सुपरस्टार कमलेश डाल दीजिए। आप बहुत पैशन से बात करते हैं, और मतलब किसानों की वकालत आपके जितना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। मतलब हम सबको पर्सपेक्टिव ही नहीं था आज जो आपसे मिला है। तो मुझे तो लगता है कि आपको 30 लाख बहुत आसानी से क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे आप अपना वीडियो लगा सकते हैं और वहाँ लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉज भी है। तो वहाँ इंडिविजुअल लोग, जो 65 लाख लोग हैं, वो हर इंसान लाइक 50 पैसे डाले तो भी आपका जो मतलब जो गोल है वो मीट हो सकता है। तो मैं अभी इससे बाहर हूँ, पर बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत वेरी इम्प्रेस्ड आप जो काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। कमलेश जी, आप जो कर रहे हैं ना, वो काम तो बहुत बढ़िया है। एक किसान की जो बात है वो एक किसान ही समझ सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो सल्यूशन हो। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे आपको अगर 30 लाख दे भी देती हूँ तो मैं कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक बार ही आप कुछ यूनिट्स बनाएंगे, वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। फिर बाकी कितने किसान हैं इंडिया में, है ना, वो स्केल पे करने वाला बिजनेस है। आज के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। तो कमलेश, तुला भेटून खूपच चांगलं वाटलं मला। थैंक यू मैम। और जुगाड़ू कमलेश के बदले शाहना कमलेश ऐसे लिख दो तुम। शाहना। तो मेरा भी ये मानना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज और क्राउड फंडिंग में हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, उसके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट कमलेश। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं गांव से यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। और लाखों किसान आपको देख रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक सर पूछे मत, कैसे पहुँचो। ये शार्क टैंक वाले आप तक आए थे कि भाई हमको गाँव से कोई चाहिए? नहीं नहीं। तो फिर? मैंने एड देखा था। कहाँ पे? मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में। फिर? और मुझे मतलब उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, स्टेप बाय स्टेप, फिर यहाँ तक पहुँचा। तो अभी तक आपने ग्रांट क्यों नहीं लिया किसी से? किसी ने दिया ही नहीं ना। तुमने अप्लाई नहीं किया आज तक ग्रांट के लिए? अप्लाई तो नहीं किया सर, पर किसी ने बोला भी नहीं। हम हेल्प करेंगे आपकी। कितने बेचोगे, कितने बेच लोगे ये? सर मैं दिन रात करके बहुत बेच सकता हूँ सर। एक साल में कितने बेचोगे? एक साल में सर अभी तो मेरे 1000-2000 कस्टमर है ऑलरेडी। 1000-2000 कैसे है भाई? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने जो वीडियो वायरल हुए उसमें से मुझे कमेंट आई है और किसी कॉल भी आए, वो कॉल मैंने सेव करके रखे। जब भी ये प्रोडक्शन होगा तब वो बोले कि हमें दे देना, कोई उन्हें दे सकता हूँ सर, बट एक बार स्टार्ट हो गया ना सर मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा नहीं रुकूंगा। तो ऑफर देता हूँ आपको, चलो यार। ऐसे आप आए हो शार्क टैंक में, कितना पैसा चाहिएगा आपको इसको प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में उतारने के लिए? सर जो भी आप दोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे खाली लॉन्च करना है सर। कितना पैसा चलेगा लॉन्च करने में? 20-1 लाख चलेगा सर। इतना पैसा क्यों लगेगा? सर शुरू में मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी। ऐड को भूल जाओ यार, बनाने का बात करो, ऐड की बात मत। बनाने का 10 लाख में हो जाएगा सर। 10 लाख में काम हो जाएगा, राइट। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? और कोई पार्टनर वगैरह है आपका अभी? नहीं पार्टनर तो नहीं सर, बट वो नरू है ना, वो साथ में रहेगा। अच्छा। उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं छोड़ोगे? कितना नहीं। उसके लिए कितना परसेंटेज रखा है आपने? मतलब जॉब भी रहेगा सर, इक्विटी भी थोड़ी बहुत रहेगी उसको, क्योंकि वो 24 घंटे काम करेगा। इस विषय में आपने सोचा नहीं, राइट? हाँ, बट वो साथ में रहेगा सर। वो साथ में रहेगा, हाँ। लोन लेने की कोशिश की आपने पहले कभी? नहीं सर, आपने कोशिश ही नहीं करी। क्या चल रहा है पीयूष भाई आपके दिमाग में? आप ठीक है? आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं पानी क्यों चाहिए। इतने बड़े लोग बेटे, कुछ नहीं रहूंगा तो क्यों, ठीक ही रहूंगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है? मैं आपकी 40% इक्विटी लूंगा, 40%, ठीक है? और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। जैसे जैसे बाइक बिकेगा ना उसमें जो मुनाफा होगा आप उससे वो लोन मेरे को वापस कर देना, ठीक है? जब कंपनी के पास पैसा होगा। वो फ्लेक्सिबल हूं मैं, जैसे आपका बाइक बिका, एक बाइक बिका 4000 रुपये बचा, आप 1000 रुपये मुझे वापस कर देना। ऐसे कर करके आपका 20 लाख रुपए आप मेरे को लोन वापस कर देना, और 10 लाख रुपए जो मैंने दिया आपको वो आप मेरे को 40% इक्विटी दे दो। 10% हमने नरू के लिए रख दिया, 50% आपका, ठीक है सर? क्या लग रहा है भाई? हाँ की ना? हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। हाँ सर, हाँ सर, कांग्रेचुलेशन। और आपके साथ में काम करूंगा तो सर मतलब ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूंगा। अरे नरू को निकाल भाई, नरू, ये नरू इतने, ये नरू, नरू कर क्या? नरू ऑलरेडी पार्टी मना रहा है। अरे बाबा, अरे कांग्रेचुलेशन नरू, कांग्रेचुलेशन। आप इनका बहुत बड़ा सहारा हो यार। वो एक पिक्चर आई थी दीवार, उसमें कहते मेरे पास माँ है, ये कहते मेरे पास नरू है। आप इतना बड़ा सहारा हो। आप जो है ना, आप भारत की उम्मीद हो, ठीक है? तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया पर मैं करूँगा। Amazing, well done, ठीक है? मैं आपको भी 10% मिल गया आज। अरे भाई ये सब मत करो यार प्लीज। आपने भी क्या कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा, तो ये सब मत करो, समझ रहे हो? आपके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट है। आप यहाँ तक आए हो ना, कैसे पहुँचा मुझे, हाँ, तो पैर वैर मत छुओ, ये आप रखो, ठीक है? बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त। मस्त लग रहा है ना? बहुत आनंद, खूब आनंद डाला। नहीं यार, बहुत लाइक क्या हो तुम यार, नरू एरे। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। और तुम्हारी भी, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी है। कांग्रेचुलेशन भाई कमलेश। कभी मालेगांव में आना हुआ तो पूछ लेना जुगाड़ू कमलेश का घर कहाँ है। आपको छोड़ देंगे सर, सबको छोड़ देंगे मेरे घर तक। बाय। इमोशनल कर दिया इसने। पीयूष, आई एम योर बिगेस्ट फैन नाउ। पीयूष फैंटास्टिक, तुमने बहुत, यू आर ऑसम। देखो यार कुछ हो ही जाएगा, इनको भी कोई बड़ा आदमी बनाएगा। बिल्कुल आप बनाओगे। एनर्जी तो बहुत है, परसिस्टेंस बहुत है इनमें। दिल को छूने वाली डील हो गई। हाँ बट यार बंदे में बात तो है यार। मैंने एंड में उससे पूछा कैसा लग रहा है, कह रहा है अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसको ये निराशा ही नहीं है कि मुझे डील नहीं मिली, वो इतनी खुश है। बड़ा साफ लड़का है, बहुत दृढ़ता है, इतनी परसिवियरेंस नहीं मिलती है यार। हम तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते, वो 7 साल से लगा हुआ। बिल्कुल। सलाम पीयूष। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। आप सभी जानते हैं, मतलब आप तीनों तो स्पेशली जानते हैं कि माँ बनना अपने आप में कितना सुखद अनुभूति वाला होता है। जब मैं खुद माँ बनी, बहुत मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मेरा जो बच्चा था वो बिल्कुल हेल्दी, हट्टा कट्टा, बिल्कुल ऐसा। मेरे फादर एक वैद्य थे, तो उन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से मेरे खान पान, मेरे पोषण का और मेरा पूरा ख्याल रखा। और एक मेरे पिता ही ये बताते थे मुझे कि ये आपके जो डिलीवरी के बाद के जो 50 दिन होते हैं, ये आपकी आगे की लाइफ को, 50 साल की लाइफ को डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप माँ का पुनर्जन्म होता है। अच्छा। तो आज मैं माँ और ये बच्चा और ये मेरा बच्चा। अरे क्या बात है। ये दोनों आप हो? वाओ। या ओह वाओ। मैं अल्पना तिवारी और मैं विरल तिवारी, और हम हैं को-फाउंडर्स नुस्खा किचन के। जो नई माएँ होती है अभी डिलीवरी के बाद, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चे के मिल्क में प्रॉब्लम आती है, मदर की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, नानी दादी का कुछ नहीं मिल पाता है। तो सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें हम नुस्खा के थ्रू उनके पास पहुँचे, उनकी केयर करें, उनका परिवार बनके उनका साथ दें। शार्क, हमने अराउंड 2 years बैक स्टार्ट किया था। हम प्रोवाइड कराते हैं एक 50 day का कंप्लीट आफ्टर डिलीवरी कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं 20 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं कंप्लीट पोस्टपार्टम रिकवरी में। इसमें आपकी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपको गोंद, अजवाइन के लड्डू और इस तरह की चीज़ें, मसाज ऑयल्स और काढ़े और हर्ब्स को इंक्लूड करके दिया जाता है, विच इज़ वेरी मच कस्टमाइज कि आपका वेदर कंडीशन किस में खाने वाले हैं आप, और आपका वेट कैसा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपके बच्चे की हेल्थ जस्ट आफ्टर द डिलीवरी कैसी है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं भी अपने सामने आती हैं, तो उसको आंसर करने के लिए वी हैव अ 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। एंड अभी तक हम 400 डिफरेंट वुमेन को कैटर कर चुके हैं उनकी अच्छी रिकवरी कराने के लिए। इसीलिए शार्क्स, आज हम आपसे आस्क कर रहे हैं 20 लाख रुपीज फॉर 10% ऑफ आवर स्टेक। वी हैव सम सैम्पल्स फॉर यू। ये आदमी खा सकते हैं ना? ये वाले नहीं खा सकते। बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। बहुत सुंदर पैकेजिंग है इस डब्बे की। थैंक यू सो मच। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खा सकती हूँ अभी। एक गोंद के अलावा आप सारे खा सकते हो। जो गोंद होता है ना, वो चिपक बॉन्डिंग का काम करता है, बच्चे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप रागी ट्राई कीजिए मैम, आपको इस वक्त रागी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था अपने बेटे के लिए, मामा अर्थ। अच्छा अच्छा। आपने अपना बिजनेस शुरू किया अपने बेटे के साथ। आई थिंक बहुत ही बेटे के साथ। थैंक यू। हर कस्टमर के लिए अलग पूरा आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजते हैं? नहीं नहीं, ये स्टैंडर्डाइज पैकेज है। इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़े से ट्वीक्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप कहाँ खाने वाले हैं। उसके लिए आप बात करते हैं कस्टमर से पहले? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो उनको फिल करके देता है, उसके बेसिस पे हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन एंड हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक होते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। इसके बाद क्या बेबी हेल्दी होता है? yes. या क्या डिफरेंस फील होता है मदर को? तो मैंने जितनी भी 3rd month से जिनकी डिलीवरी शुरू की है, कोई बेबी 3 किलो से कम का है ही नहीं। एक बात मेरे को समझनी थी पहले कि आप लोग दोनों ने कैसे ये शुरू किया। मतलब एक दिन उठ के आपने कहा चलो बेटा ये नुस्खा बिजनेस शुरू करते हैं, इसके पीछे कोई कहानी है? एक्चुअल में ये बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा जी। और प्लेसमेंट में इनका बैंगलोर जॉब लग गया था म्यूसिग्मा कंपनी में। अच्छा जी। फिर इन्होंने कहा कि मैं क्यूट करूंगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा। कितने टाइम किया आपने जॉब? 6 months के अराउंड किया। नहीं, मैं भी 6 महीने में मेरे पहले जॉब से निकल गया था। बहुत अच्छा। वाकई में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह से उनको केयर की जरूरत होती है उनको मिल नहीं पाती है। पेट में आपने सारा ध्यान रख लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है तभी भी वो 6 मंथ तो अपनी मदर के दूध पे निर्भर करता है ना। बहुत लोगों को मैंने चैरिटी करना शुरू किया और चैरिटी ऐसी थी कि मैं उनको पर्ची बना के देती थी, तुम ये सामान ला दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के देती थी। फिर जब इसका ये रहा तो फिर मैंने कहा कि मन का बेटा तुम एक बार सर्च करो, मेरा ये जुनून है, इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और नो डाउट इसने मेरा सपोर्ट भी किया। थोड़े से घर पे इशू जाए कि वो बच्चे को ऐसे जॉब में, इसमें जॉब छुड़ा के इसमें दूसरी जॉब कर लेगा, ये तो इसमें क्यों ला रही हो बिजनेस में। मैंने कहा नहीं, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। इसकी शादी करा दी क्या? नहीं, शादी.com के बारे में सुना है ना? सुना है। मैं वहाँ आके देखूँ आपके ये क्या है निबल्स, ये मेरे को बच्चों का पिक्चर लगा हुआ है। यस, बेबी फूड ही है। तो अब आप बेबीज को भी केटर कर रहे हैं घर के नुस्खा वाले खाने से। बेस्ट सेलर क्या है आपका? हमारा जैसे रागी सबसे बेस्ट सेलर होता है ना। पर पेशेंट कितना मनी अर्न करते हैं अगर ये पूरा 12 महीने का या 15 महीने का जर्नी देखूं? यूजुअली एवरेज इनकम क्या होती है? ये हमारा जो टोटल टिकट साइज रहता है अराउंड 15,000 से 15,000 रुपए। जो ये मेन पैकेज है ये 8,500 का रहता है। पैटर्न नहीं है अभी आपके पास कोई इस पे? फूड प्रोडक्ट है तो रेसिपीज हैं, तो इसको पैटर्न कराना मुश्किल है। और सेल्स क्या है आपके? 19 लाख के अराउंड तक। 19 लाख और प्रॉफिट? वी आर रनिंग स्लाइटली इन प्रॉफिट, 1-1.5 लाख के आसपास। पिछले महीने क्या था सेल? 1,45,000। तो अभी आप वही रन रेट पे? अभी पिछले लास्ट 2-3 महीने से वी आर गेटिंग थोड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ में। सेल कहाँ पे करते हैं? अमेज़न? नहीं, हम हमारे खुद के पोर्टल के थ्रू ही सेल करते हैं। अमेज़न पे क्यों नहीं सेल करते आप इसे? अभी इन ट्रांजिट है, हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसके बाद उस पे भी अवेलेबल है। अल्पना जी और वीरल जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है। तो अभी आपका जो सेल है उसको देखते हुए स्केल करना बहुत मुश्किल होगा और इस वजह से आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुछ गलतियाँ आप वो कर रहे हैं जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने एक सब्सक्रिप्शन क्यूरेशन वाला बिजनेस चलाया है। आप द मोमेंट आप सोचेंगे कि हर मदर के हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें आप बहुत अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको खो देंगी। तो अगर आप सोच रही हैं कि मुझे एक करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है तो ये सही डायरेक्शन है। अगर आप सोच रही हैं मुझे 50-100 करोड़ का बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको स्केल सोचना है। आपको ये आपका एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिनिश, प्राइसिंग बहुत शार्प करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाएगा। तो इसलिए इस रीज़न के लिए मुझे लगता है आई एम आउट, बट ये अपॉर्चुनिटी ऑफ माँ के हाथ का खाना फॉर मदर्स स्केलेबल हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा काम करें। ये है बेबी फूड मार्केट जी। ये जो कैटेगरी है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है और प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कम है, लेकिन ये जो पोस्टपार्टम का आपका नुस्खा जो आपने बताया वो एकदम खुला हुआ मार्केट है आज। अभी वो कितना बड़ा है कितना नहीं है ये मैं आपकी बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको ये सोच विचार करना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ आपका सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। मुझे वो बड़ा बिजनेस का आज अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आउट होना चाहूँगा। आई विश यू द बेस्ट। क्योंकि ये घर का नुस्खा है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ये रेसिपी तो वैसे पता होगी। आप इसका बिजनेस बना रहे हैं, कल को आपका बिजनेस अच्छा करता है, कोई आपके प्रोडक्ट्स कॉपी कर लेता है जी मैम, तो आप उनसे कैसे अलग होंगे या आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है या मैं क्या? इसका आंसर देती हूँ। किस इंग्रेडिएंट्स को किस समय किस तरह से खाना है ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी हुई तो सबसे पहले आपको क्या खाना है। तो हम ये कहेंगे कि दशमूल काढ़ा सबसे पहले खाना होता है और इसका मैं आपको रीज़न भी समझाऊंगी कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है नो डाउट आपका जो बैलून की तरह फूला हुआ होता है पेट, वहाँ हवा भरने की कोशिश करती है। तो हमें दादी नानी कहती थी कि कान ढक के रहो, कम बोलो, बात मत करो। यही रीज़न होता था कि मुंह के थ्रू, कान के थ्रू आपके हवा जाएगी। तो इन सबको अगर थोड़ा सा, जैसे अब नई लड़कियाँ नहीं कहना मानती है, तो उसके लिए अगर आप दशमूल काढ़ा लोगे तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैंने नहीं मानी थी। ये आप आयुर्वेद में जाके देखो, चरक संहिता में लिखा हुआ है ये कि प्रसूता को किस तरह से रहना चाहिए कि 10 दिन आपकी बॉडी इतनी रिकवर नहीं हो पाती इतनी जल्दी कि आप जो चाहो वो करने लग जाओ। गजल, आपने डिसीजन बना दिया आपका? हाँ, मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप स्टैंड आउट कैसे होंगे, स्केल अप कैसे होगा। उस वजह से, वो क्लैरिटी ना होने की वजह से मैं आउट हूँ। वेरी स्ट्रांगली फील कि आप दोनों प्लीज़ लगे रहिए इस पे। ये कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढिए और बेटर होइए एंड दोबारा फिर से बात करें। मेरा भी ये है कि यूनिक प्रोपोजिशन है। आई थिंक क्लिनिकली प्रूवन नहीं है बट मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स में बेनिफिट तो होता ही है। और आपने एक बहुत ही नीश मार्केट पकड़ी है आज की डेट में। जो मुझे पता है जो प्रीमियम न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो एक एक महीने का 15-15, 17-17 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो जो आपका USP है मेरे को लगता है ये स्लो स्केल अप प्रोसेस है। वर्ड ऑफ माउथ जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ते हैं और फिर वो अपना सेकेंड ब्रांच खोलते हैं, थर्ड ब्रांच खोलते हैं, बट दे आर हाईली प्रॉफिटेबल, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं इसमें बाहर हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 805 शार्क्स आउट है बट वी विश यू द वेरी बेस्ट। यस थैंक यू। बनाजी जाते जाते एक बात मैं कहूँगा, आपका जुनून देख के, एक माँ का जुनून देख के आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो वो प्रॉब्लम के बारे में बोल रही थी ना पोस्ट प्रेगनेंसी, वो बहुत रियल है। व्हेन आई डिलीवर्ड ऑगी उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी हुई थी। ओके राइट। सो प्रॉब्लम बहुत रियल है, सोल्यूशन पे वो वर्क कर रहे हैं बट जिस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, जो उनकी कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग ना वो थोड़ी सी लिमिटेड। आई जस्ट होप वहाँ पे अगर थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड।